अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फराह हाशमी। आज भी हम कुछ बात करेंगे मुख्तलिफ ख़वातीन से और उन्हीं से जानेंगे उनकी राय और उनके मसाइल। तो चलें सबसे पहले उनका तारुफ लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कौन हैं और क्या करती हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप प्लीज़ नाम बताइएगा, क्या करती हैं आप? मेरा नाम महनूर ज़फ़र है और मैं स्पीच थेरेपिस्ट हूँ और मैं इस फील्ड में 1 साल से हूँ। थैंक यू। और आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा अतारिया है और मैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और मैं भी इस फील्ड में 1 साल से हूँ। तो इसका मतलब आज हमारे पास जो ख्वातीन मौजूद हैं वो दोनों ही वर्किंग लेडी हैं, राइट? सो आज मैं आपसे कुछ पूछूंगी कि हम कहते हैं कि औरत के बहुत सारे किरदार होते हैं, तो आपके नज़दीक औरत का सबसे मुश्किल किरदार कौन सा है? पैदा होते सारी बेटी, उसके बाद बीवी और माँ, लेकिन सबसे मुश्किल किरदार जो मुझे लगता है वो माँ है, क्योंकि माँ पे एक पूरे कुंबे की जिम्मेदारी भी आयत होती है। औलाद की तालीम और तरबियत में भी अगर कोई कोताही हो फिर भी उंगली माँ पे उठाई जाती है, तो मुझे ये लगता है कि माँ का किरदार सबसे मुश्किल है। और आप क्या कहेंगी? ये बीवी, बहन, बेटी, ये सब किरदार तो औरत के हैं ही, लेकिन मुझे लगता है कि औरत का जो सबसे बेसिक किरदार है वो सबसे पहले एक इंसान होती है, तो औरत का जो किरदार है वो एक इंसान का सबसे पहले। अब बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने की कि औरत बाहैसियत इंसान, वो जो किरदार है ना वो सबसे अहम है। अगर आप बात करें कि हम कहते हैं कि जैसे भी इन्होंने फरमाया कि जी औलाद से लेके माँ, बीवी, तमाम किरदार निभाती है, लेकिन सबसे मुश्किल किरदार एक इंसान का है। तो चलें आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं, इसी पे बात करते हैं कि औरत बाहैसियत इंसान का किरदार निभाना कितना मुश्किल होता है। तो आप मुझे बताएं कि बाहैसियत औरत, जहाँ उसको बहुत सारी मुश्किलें देखनी पड़ती हैं, अब वहाँ पर उसकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं? अगर एक औरत की जिम्मेदारियाँ देखी जाएँ तो बेटी हो, तो अगर वो बेटी होती है तो उस पर जिम्मेदारी आयत होती है कि ख़ानदान की, माँ बाप की फरमा बरदारी, उसका वलीन फर्ज समझा जाता है। उसके बाद बीवी होने पर उस पर एक शौहर की नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान की जिम्मेदारी आयद हो जाती है। वहाँ पर उसको अपने पसंदीदगी, नापसंदीदगी सबको छोड़ के एक नए माहौल में ढलना पड़ता है। और फिर माँ जो कि सबसे खूबसूरत रिश्ता माना जाता है, लेकिन माँ पे आके भी औरत की जिम्मेदारियाँ जो होती हैं उसे दुगनी हो जाती है, क्योंकि फिर उस पर एक पूरे, क्योंकि एक बच्चा अच्छा है तो एक पूरा एक माशरा अच्छा, तो उस पर एक पूरे माशरे की तरबियत की जिम्मेदारी आयद हो जाती है। आप क्या कहोगे? अगर वो इंसान है सबसे पहले तो वो इंसान है, और अगर वो इंसान है तो सबसे पहले उसकी अपनी खुशियाँ होती हैं, उसको अपने आप को, अगर वो खुद ठीक रहेगी मेरे ख्याल से तो वो बाकी सब रिश्ते जो है वो अच्छे से निभा सकेगी। कि अगर उसका अपने खुद ही वो ठीक नहीं होगी तो वो ना अच्छी बीवी बन सकेगी, ना अच्छी बेटी बन सकेगी, ना और ना ही अच्छी माँ बन सकेगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन इस बात पे आपकी कि सबसे पहले वो अपने आप को खुश रखे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मर्द के मुकाबले में औरत की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं? तो प्लीज़ बताएं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, औरत की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं और इसी वजह से वो अपने आप को उतना खुश नहीं रख पाती है, और अपनी खुशियाँ और अपना सब कुछ छोड़ के सेक्रीफाइस करके बहुत सारी चीज़ों से, तो फिर ही उसको बाकी सब रिश्ते जो हैं वो निभाने पड़ते हैं। आप क्या कहोगे? मैं कहूँगी कि शादी के बाद जिम्मेदारियाँ तो बढ़ जाती है, लेकिन एक ऐसी वर्किंग लेडी जो एक घर भी देख रही है, एक माँ भी है और उसके साथ साथ वो एक वर्क प्लेस पे भी जाती है, ऐसी माँ की जिम्मेदारियाँ को सोचना ही इंसान को महाल कर देता है कि उसने एक औलाद की तालीम और तरबियत, पूरा घर का माहौल और अपने वर्क प्लेस पर भी उसने विजिलेंटली सारा काम करना होता है। तो एक औरत के लिए, एक वर्किंग औरत के लिए मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ा मुकाम है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से औरत का हर मुकाम ही बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि औरत के नसीब में क्या जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं या हकूक ज़्यादा है? क्योंकि हकूक तो शायद हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जिम्मेदारियाँ को सोच करके वो शायद हकूक जो है कहीं ना कहीं उसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो क्या कहेंगी आप? ये हकूक तो है वो औरत को जो दिए गए हैं, अगर उनको सोचा जाए, उन्हीं हकूक में देखा जाए तो कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं। अगर हमारे मज़हब ने हम पे इतने हकूक लागू किए हैं तो जिस तरह नान नफका वगैरह सब कुछ वर्किंग वूमेन को ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर औरत इन सबको पसे पुश डाल कर करती है तो ऐसी औरत के लिए सल्यूट है। और मैं यही कहूँगी कि जिम्मेदारियाँ औरत की कम हैं, लेकिन इस्लाम ने हकूक औरत को ज़्यादा दिए। आप क्या कहोगे? वैसे तो इस्लाम ने जो है औरत के हक ज़्यादा रखे हैं,
कि अगर वो बेटी है तो भी उसके बहुत सारे हक़ हैं, अगर वो माँ है तो भी बहुत सारे हक़ हैं, हर तरफ से उसको इज़्ज़त और एहतराम और सारा रुतबा दिया जाता है। लेकिन यह है कि जिस तरह हमारा माशरा चल रहा है, मेरे ख्याल से उसकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है आज कल के माशरे के हिसाब से, तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। जैसे कि अगर वो शादीशुदा है तो बच्चों को देखना, अगर वो नहीं है तो अपने माँ बाप को और बाकी सारे जो हमारा माशरा चल रहा है पूरी फैमिली को देखना और हर बात को देख के जो है उसको चलना पड़ता है, तो जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और काम के साथ साथ घर भी देखना तो ज़्यादा मुश्किल। देखें, हमने जिम्मेदारियों की बात कर ली, हकूक की बात कर ली, ये तो वो जो कि औरत की मेरे ख्याल से एक हर रोज़ की जंग है। मगर अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच में एक औरत अपने लिए वक्त कैसे निकाल सकती है, अपने लिए खुद कैसे एक बहुत सारी औरतें स्ट्रेस में आ जाती हैं क्योंकि वो उस तरीके से अपनी ज़िंदगियों को मैनेज नहीं कर पाती जैसे कि लोगों को लगता है कि उनको करना चाहिए। तो उसमें आपके ख्याल में किस तरीके से एक औरत जो है वो अपने लिए वक्त निकाल के अपने लिए कुछ कर सकती है? औरत का खुद के लिए वक्त निकालना डिपेंड करता है कि वो किस तरह के इन्वायरमेंट में है, उसकी फैमिली किस तरह की है, क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है, फैमिली उसे वक्त दे रही है खुद के लिए वक्त निकालने के लिए, तो एक औरत वक्त निकाल पाएगी। लेकिन खुद के लिए वक्त निकालना ज़रूरी है एक औरत को, वैसे तो इंसान सबसे पहले खुद की सेहत, खुद की जिम्मेदारियाँ वगैरह खुद पर भी करनी चाहिए कि उसे अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। मैं भी यही कहूंगी कि औरत जो है उसको अपने लिए वक्त निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो अपने लिए वक्त नहीं निकालेगी, अपना उसकी मेंटल हेल्थ नहीं होगी, तो फिर वो बाकी जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं कर सकेगी। और यही बात है कि अगर हमारा माशरा इसमें हमारा साथ देता है तो मेरे ख्याल से कि इसमें हम बहुत अच्छे से अपने लिए भी टाइम भी निकाल सकेंगे और बहुत अच्छे से हम इसको कर सकेंगे। जहाँ बात होती है माशरे की कि माशरे का साथ बहुत ज़रूरी है एक औरत के लिए भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि जो माशरे में जो बहुत सारा ऐसा हमें देखने को मिलता है कि औरतों को बहुत ताने मिलते हैं, ये काम ठीक नहीं हुआ तुमने अपनी बेटी की ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभाई, माँ की ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभाई, तो उस चीज़ को मेंटली टैकल कैसे किया जा सकता है? प्लीज़, लोग तो बातें करते ही हैं लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम अपने किरदार से लोगों को बताएं कि जिस तरह से आप हमारे बारे में सोचते थे वैसा नहीं है, हम जो करना चाहते हैं उसको साथ रखते हुए हम अपना किरदार अच्छा रख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से हम इस तरह से लोगों की बातों से निकल सकते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ साथ अगर औरतों को सब सुनना भी पड़ रहा है, उसको मेंटली टैकल करने के लिए है कि औरत को अपने लिए खालिस अपना वक्त भी कुछ देर निकालना चाहिए पूरे दिन में, चाहे वो चंद सेकेंड चंद मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन उसे एक बार खुद के लिए वक्त निकाल के सोचना चाहिए कि क्या मैं जिन लोगों के लिए इतना सर्व कर रही हूँ वो मुझे उतना पे बैक कर रहे हैं या नहीं। इसलिए औरत को अपनी वर्थ खुद मनवानी आनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत बात की कि आपको अपनी वर्थ का इलम होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। तो यहीं पे बात करते हैं कि अगला सवाल जो मेरा आपसे होगा कि बात करें कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, आप कोशिश करें, तो क्या औरतों में ये बिल्ड इन होता है बाहैसियत इंसान के वो हर किसी को खुश रखना चाहती है, तो ये कहाँ तक पॉजिटिव है और कहाँ तक नेगेटिव है ये पता? ये बात तो वाकई है कि औरत हर एक को खुश रखना चाहती है, वो चाहती है कि अगर वो बेटी है तो अपने माँ बाप को खुश रखे, और अगर वो बीवी है तो अपने शौहर को, ना सिर्फ शौहर को बल्कि पूरे ख़ानदान को खुश रखे, और फिर अगर वो माँ है तो उसे होता है कि उसकी औलाद की वजह से कोई भी उसे बातें ना करे तो उसकी औलाद उससे खुश रहे, और ऐसी औलाद हो उसकी कि सब पूछें उससे, सब कहें कि वाकई तुम्हारी औलाद अच्छी है। तो ये है कि पॉजिटिव इस तरह से है कि औरत जो है वो वैसे ही खुश अखलाक होती है मेरे ख्याल से, और उसी के रंग से जिस तरह से कायनात में बहुत सारे रंग होते हैं तो वो अपने रंगों से कायनात को इस तरह से रंगीन करती है। खैर, मुझे ऐसे लगता है कि इस ये एक पॉजिटिव भी है, लेकिन नेगेटिव इस तरह से कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और जो बहुत ज़्यादा आपके साथ अच्छा रहने की कोशिश करता है तो लोग फिर उसको ज़्यादा बातें करते हैं, तो ये फिर एक नेगेटिव वे में भी चला जाता है। आपकी क्या राय है इसमें? मुझे लगता है नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हर किसी को आप खुश तो रख नहीं सकते, तो बीइंग आप एक को खुश रखोगे दूसरा नाराज़ होगा, दूसरे को खुश रखोगे तीसरा, तो इस तरह ये नेगेटिव हो जाता है आपके लिए कि आप एक इंसान सबको खुश करने की दौड़ में लग के खुद को भूल जाते हो। बिल्कुल सही कहा कि हर चीज़ का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और इस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए माशरे का और स्पेशली मर्दों का भी उतना ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो आप बताएं कि बाहैसियत जो औरत है, एक इंसान बाहैसियत इंसान, उसके लिए मर्द की सपोर्ट कितनी ज़रूरी है?
बहैसियत इंसान मर्द की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मर्द खुद भी इंसान है और जिस तरह वो चाहता है कि मुझे सपोर्ट किया जाए और जिस तरह घर वाले उसको सपोर्ट करते हैं, तो औरत को भी सेम उसी तरह सपोर्ट करना चाहिए। कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगर ना हो तो फिर उसी औरत को भी उतनी ही सपोर्ट मिलेगी जितनी मर्द को मिलती है, और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अगर हम बैलेंस रखेंगे हर चीज़ में तो हर चीज़ ठीक रहेगी और माशरा भी खुशगवार रहेगा। और आप क्या रहेंगे? लगता है कि जैसे कि फेमिनिज्म लिबरल वगैरह एक तरफ, लेकिन फिर भी मर्द का साथ होना ज़रूरी होता है, क्योंकि बींग अ प्रोटेक्टर कई जगह पे औरत होने की वजह से हमें शील्ड या प्रोटेक्शन मर्द की वजह से मिलती है, तो लिहाजा मर्द का भी औरत के साथ होना उतना ही ज़रूरी है, तभी औरत खुश असलूबी से अपनी तमाम जिम्मेदारियों में भाग पाएगी। आप अपने जो औरतें हैं आपके घर में, चाहे बेटी हो, माँ हो, बीवी हो, उसको एनकरेज करें तो आप देखें कि वो बाहैसियत इंसान एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपना हर किरदार निभाएगी। तो गाइज इसी के साथ यहाँ से तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, लेकिन अभी हम चलेंगे अपने स्टूडियो और वहाँ पर हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपको खुशामदीद करती हूँ घर में चाहूँ के स्टूडियो से। मैं हूँ आपकी होस्ट फराह हाशमी, और अभी जैसे आपने पिछले सेगमेंट में देखा, हमने बात की औरत की। जैसे एक औरत पैदा होती है इस दुनिया में, वो किसी की बेटी बन जाती है, बहन बन जाती है, बाद में बीवी, माँ और कई सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि एक औरत बाहैसियत इंसान क्या है। इस पर बहुत सारे सवालात पूछूंगी, और जैसे कि आपको पता है हमारी एक्सपर्ट पैनलिस्ट, जिनका मैं बहुत सर खाती हूँ, बट शी सच अ स्वीट हार्ट, वो जितनी खूबसूरती से हर चीज़ को बयां करती हैं उसकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। तो प्लीज़ वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में आयशा जहांज़ेब को। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछने, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि बाहैसियत इंसान औरत है, क्या है, कुछ बताएं। पहले तो मुझे फरा ये बताओ कि क्या औरत इंसान के जुमरे में आती है? जब आप एक लेबल लगा देते हैं कि ये औरत है, तो आप उसे इंसान की कैटेगरी से निकाल देते हैं, लेबल बना देते हैं। औरत कहना इटसेल्फ एक ताना बना दिए, तुम औरतों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो। औरतें एक दूसरे को कह रही होती है खवातीन के, तुम एक टिपिकल औरत हो, ये लव्ज एक गाली की तरह सुनाई देता है। और ये इसको रियलाइज किया जाए तो ये कितनी कितनी पेनफुल बात है कि एक औरत की आइडेंटिटी ही आपने टोटली ख़राब कर दी है, कि वो उस नाम के साथ एसोसिएट ही नहीं होना चाहती। मर्द जब किसी को कहते कि तुम मर्द बनो, तो कितना स्ट्रॉन्ग एक साउंड प्रोड्यूस होता है, मर्द बनो। जब औरत कहा जाता है कि तुम औरत बन गई हो, तुम एक टिपिकल औरत बन गई हो, इसका मतलब ये कि आप डेरोगेटरी टर्म में यूज कर रहे हैं, आप उसे नीचे खींचने के लिए। सो पहला सवाल तो यहाँ पे ये बनता है फरा कि क्या औरत इंसान है? औरत इंसान है उसी तरह गोश्त पोश्त की इमोशन से भरी हुई, जैसे एक मर्द है, जैसे एक ट्रांसजेंडर है, जैसे बाकी सब लोग हैं। हम लोग जिंदगी के तमाम दायरों को जोड़ के रखते हैं, औरतों का इतना बड़ा किरदार है। मैं कहीं पढ़ रही थी, एक दर्जी बाप होता है, उसके पास एक छोटा बच्चा आता है, वो इम्तिहान पास कर लेता है, अपने बाप को कहता है कि बाबा मुझे ना बड़े अच्छे नंबर मिले और मैं पास हो गया। बाप कहता है आपने कहा था कि तुम अच्छे नंबर लोगे तो मैं ज़िंदगी का एक सबक सिखाऊंगा, तो आज वो दिन है, आज सबक सिखाए। मैंने कहा तुम बैठ जाओ, मैं अभी ये फारिग हो जाऊँ तो फिर तुम्हें बताऊँ। बाप ने कैंची पकड़ी और कपड़े के हिस्से काट लिए और कैंची को उठा के ज़मीन पर फेंक दिया, जूतों में, गंदे जूतों में। अब बच्चा हैरत से देख रहा है, फिर उसने सुई निकाली और सुई के साथ वो जो टुकड़े थे उनको जोड़कर लिबास की सूरत दे दी, और उसके बाद सुई उठाकर अपने पगड़ी के साथ जो जगह होती है वहाँ टांग ली। बच्चे ने सवाल किया बाप से कि बाबा आपने इतनी महंगी कैंची जूतों में, गंदे जूतों में फेंक दी, और सुई जो इतनी बेकदर है उसको उठाकर आपने सर पे सजा लिया, इसकी क्या वजह है? उसने कहा देखो, जो इंसान आपकी जिंदगी में रिश्तों को काट दे, डिवाइड कर दे, वो इस काबिल नहीं है, उसे अपनी जिंदगी से अलग कर दो। और वो इंसान चाहे कितना ही बेकदर क्यों ना हो, बिल्कुल
छोटे किसी हम्बल बिगिनिंग से आया हो लेकिन वो रिश्ते जोड़ दे, उसे अपने सर पे बिठा लो, ये जिंदगी का सबक है। औरत को बनाया इसलिए गया था कि वो रिश्ते जोड़ के रखे, तमाम दायरे जोड़ के रखे। इसमें बहुत बड़ा सैक्रिफाइस और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है औरत का। लेकिन हमने क्या किया है इस मॉडर्न दुनिया ने कि औरत की कंट्रीब्यूशन को बेकदर कर दिया। उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम अगर ये कर रही हो, रिश्ते जोड़ रही हो, तो तुम हम पे कोई एहसान नहीं कर रही, ये तुम्हारा फर्ज है। ऐसा नहीं है, औरत का फर्ज नहीं है ये काम करना, औरत की फितरत है ये काम जोड़ के रखना। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मर्द जो है वो घर की जो तस्बीह है उसका इमाम है, लेकिन जो औरत है वो उसका धागा है। दोनों के बगैर, दोनों के बगैर ना घर चल सकते हैं ना घर फ्लरिश कर सकते हैं। तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता दोनों के बगैर। खानदान चलता ही तब है जब दोनों की हम आहंगी होती है। अब औरत इंसान है, हाँ है, और बहुत कॉम्प्लेक्स इंसान है। औरत की बहुत सी ऐसी तहें हैं जो मर्द शायद सारी जिंदगी भी गुजार दे तो उसे समझ नहीं आती। पल में तोला है, पल में माशा है, पल में खुशी है, पल में आंसू है, पल में पुरानी यादों में घुमी हुई है, और पल में नए गोद में नए मेहमान को लेकर बैठी है और खुश है। तो औरत एक कंप्लीट पैकेज है। क्यों रब ने उसे पसली से निकाला है? क्योंकि वो इतनी गोल गोल जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी है कि उसे समझना आसान नहीं है, और मर्द ही समझ सकता है फॉर दैट मैटर, क्योंकि उसी की पसली से निकली है अगर समझना चाहे तो। और ये समझना पड़ेगा, फर्क जब तक मर्द अपनी शरीक हयात को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को नहीं समझेगा, घर में सुकून नहीं आएगा, मुआशरे में सुकून नहीं आएगा। दैट इज माय पर्सनल बिलीव। और मैंने दुनिया में बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ देखकर यही सीखा है कि जिस घर में माँ बाप दोनों एक साथ जुड़े होते हैं, जिनकी बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है, जो बहुत बच्चों के साथ मतलब अपनी अलग से एक सेपरेट आइडेंटिटी रखते हैं, ये नहीं कि बाप की एक अलग दुनिया है, माँ की एक अलग दुनिया है, बच्चे कुछ बच्चे बाप के साथ हैं, कुछ माँ के साथ हैं, फिर वो घर नहीं बस सकता। जिस दिन वो बच्चे खुद मुख्तार होंगे वो चले जाएंगे और वो किसी एक का साथी बन जाएंगे। लेकिन एक घर, एक खानदान जो है वो खानदान बनता है मर्द और औरत के साथ। और मर्द जब तक औरत को अपने सर पे नहीं बिठाएगा और औरत जब तक उस चीज की कदर नहीं करेगी कि मुझे सर पे बिठाया है, तब तक ये खानदान नहीं चल सकता। तो आयशा, जब हम बात कर रहे हैं औरत बहैसियत इंसान की, तो हमारे इस्लाम में क्या मुकाम है औरत का? देखिए, इस्लाम ने औरत को बहुत ऊंचा मुकाम दिया है। उससे पहले आपको याद होगा, आपने भी हिस्ट्री की, आप तालिबे इल्म हैं, आपने पढ़ा होगा कि औरतों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, बच्चियों को मार दिया जाता था। आपको वो किस्सा यकीनन याद होगा कि जब एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मैं एक बहुत बड़ा गुनाह करके आया हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। और जब नबी ने पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा मैंने अपनी छोटी सी बच्ची को, क्योंकि वो बेटी थी, उसे दूर जाके सहरा में दफना आया हूँ, और जब मैं उसकी कब्र खोद रहा था तो मुझ पर मिट्टी पड़ रही थी और वो पसीना, मेरे मुंह से पसीना और मिट्टी हटा रही थी और रो रही थी कि बाबा आपको गर्मी लग रही है। यानी जब मैं उसे कब्र में उतार रहा था तो वो फिर भी मेरे बारे में परेशान थी। औरत की सिर्फ तो ये है, बेटी की सिर्फ तो ये है कि वो मरते मरते भी अपने माँ बाप के लिए, अपने खानदान के लिए जान देती है। वो दफना कर आ गया और उसके बाद उसे रातों को उस बच्ची की चीखें, उसकी आवाज़ें, अपनी औलाद की खून की खींच पड़ती रही। तो नबी ने फरमाया कि तुमने जो गुनाह किया है ना, उसका मेरे पास कोई वो नहीं है, अस्तगफार पढ़ो, क्योंकि तुमने एक बच्ची दफनाई है। तो इस्लाम में जो मुकाम है ना औरत का, वो बहुत ऊंचा है। हमने देखिए, अब लोग क्या कहते पाए जाते हैं कि इस्लाम उस जमाने की औरतों के लिए था जब कोई हक नहीं था। आज की औरत तो खुद मुख्तार है, उसे तो आईन में भी जगह मिली है, उसे कानून में भी जगह मिली है, उसने बाहर भी निकलना है, काम करना है। तो कुरान में, इस्लाम में, नबी ने, अल्लाह ने सब जाब्ता हयात आपको आखिर तक दे दिया। आपने उसमें से क्या डिसाइफर किया है और आप क्या डिसाइफर करना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन।
आयशा, अभी आपने जो बात की बेटियों की जी, तो मुझे ये सोचते हुए भी और कहते हुए भी बहुत मुश्किल हो रहा है कि आज भी जब हम बात करें इंसान की कि एटलीस्ट वो इंसान तो है ना औरत, और अभी भी जस्ट इसलिए बच्चों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है कि वो एक बेटी होती है जी, या पैदा होते ही आप सुनते हैं बिल्कुल के कुत्तों के उसमें हाँ, फेंक दिया या किसी पार्क में छोड़ा है बिल्कुल, बच्ची मतलब अजीब और गरीब हालत में पाई गई। उस जमाने से अभी तक कुछ नहीं बदला। देखिए मैं फिर वही बात कहूंगी, उस जमाने से आज तक हमने औरत को इंसान नहीं समझा है। जब हम उसे एक मुकम्मल इंसान समझेंगे और उसे गाली नहीं समझेंगे तब औरत के हालात बदल जाएंगे, और ये सब सिर्फ एक मर्द कर सकता है। मैं बार बार फरा एक ही बात करती हूँ कि मर्द के बगैर औरत का मुकाम नामुमकिन है। लेकिन आयशा, आपको नहीं लगता कि ये जो मर्द जात होती है, जब उसको ये पता चल जाए कि उसकी जो बीवी है उसकी जिंदगी जो है सिर्फ मेरे इर्द गिर्द घूम रही है, मेरे बच्चों के इर्द गिर्द घूम रही है, तो वो उसकी कदर, मतलब वो कदर नहीं करता ना, क्योंकि जैसे भी आपने कहा कि औरत को उसके मर्द से, उसके अपने शौहर से एक प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है, एक तरह की उसकी उम्मीदें जो है अपने शौहर से वाबस्ता होती है, तो शायद इस बात का गलत फायदा उसका शौहर या मर्द नहीं उठाता। बिल्कुल उठाते हैं, बल्कि इस चीज को एक प्रेशर टैक्टिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मैं यही तो समझा रही हूँ फरा कि जब तक हम अपने मर्द की ग्रूमिंग एक मर्द की तरह नहीं करेंगे, तो ये जो ग्रूमिंग है वो सिर्फ औरत की नहीं है कि अपना घर बसाओ, उस मर्द की भी है कि अपनी औरत के साथ बसो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग दोनों की तरफ से आनी, किसी एक की तरफ से नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, और जैसे आपने कहा कि जिंदगी बेहतर हो ही नहीं सकती जब दोनों बेहतर करना ना चाहे मेरे ख्याल से। सो एवरीवन, यहाँ पे एक वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। औरत के जो हकूक हैं बहैसियत इंसान और उसकी उन जो हकूक के साथ साथ उसके ऊपर जो अमल दरामद है उसके हवाले से जो औरत की पोजीशन है, तो वो मैं समझता हूँ कि औरत एज एन इंसान उसका मुकम्मल हक है कि वो अपनी जितने उसको शरीयत ने जितने कानून ने उसको हकूक दिए हैं, चाहे वो उसको उससे रिलेट करते हैं उसके वालदैन, उसके बहन भाई, उसके और रिश्तेदार, या उसका अगर खावंद है तो वो उस सूरत में वो सारे उन लोगों के साथ जो उसके हकूक हैं उनके ऊपर उसका मुकम्मल हक है कि वो उन हकूक को ले सके, उन लोगों की उस आवाज़ बुलंद कर सके अपने लिए, क्योंकि एज एन इंसान उस औरत को मुकम्मल प्रोटेक्शन है कि वो अपने तमाम हकूक की वसूली के लिए उसको एक अदालत में जा सके, उसको अप्रोच कर सके, कानूनी तरीके से उसके उसके पास रास्ते हैं कवानीन के अंदर के वो अपने हकूक को जो है वो बहसियत इन इंसान, क्योंकि उसका हक है कि जो उसका जो उसको इस्लाम ने दिया है, जो उसको कानून ने एक राइट दिया है, तो उसके मुताबिक वो उसको एक अच्छे तरीके से वसूल कर सके, रिसीव कर सके, और उसके ऊपर उसमें किसी किस्म की उसको दुश्वारी ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि औरत को इंसान का मुकम्मल दर्जा देने की ज़रूरत के लिए उसको वो मुकम्मल हकूक जो है बजाते खुद ही लोगों को दे देने चाहिए, लेकिन अगर कोई उसमें कोई ऐसी रुकावट लेके आता है या उसके अंदर कोई उसको परेशानी देता है तो फिर उसमें कवानीन मौजूद हैं कि वो अदालत से रजू करके जो है वो जो अपने हकूक को हासिल कर सकती है। वेलकम बैक एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं घर में चाहूँ और हम आज बात कर रहे हैं औरत बाहैसियत इंसान पर। बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है, तो चलें अपने एक्सपर्ट की तरफ चलते हैं दोबारा। अच्छा, तो एक और ये एक तसव्वुर किया जाता है कि जो औरत है वो सिन्फ़ नाजुक है, तो क्या सिन्फ़ नाजुक सिन्फ़ आहन बन सकती है या फिर उसको सिन्फ़ नाजुक ही रहना चाहिए क्योंकि बस अल्लाह ने बनाया है ऐसा हमें? देखिए पहले तो मैं कहूँगी कि हर औरत सिन्फ़ नाजुक के साथ साथ सिन्फ़ आहन होती है। आपने कितनी औरतों को आप रोज़ इंटरव्यू करती हैं, आपने देखा है, मिलती हैं, जो जो हालात एक औरत जिनसे गुजरती है, मर्द उन हालात से नहीं गुजर सकता, नहीं गुजर सकता। आप चाइल्ड लेबर पे आ जाएं, मर्द एक लेबर पेन बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है, औरत करती है।
और फिर खुशी खुशी दूसरी दफा बच्चा पैदा करने भी आती है। लिहाजा औरत का थ्रेशहोल्ड मैच नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरा, बेवकूफी हम लोग करते हैं। हम अपना कंपैरिजन, यानी औरतों का कंपैरिजन मर्दों से क्यों करते हैं? देयर इज नो कंपैरिजन। अगर औरत एक नाजुक इंसान है जिसके इमोशंस का ख्याल रखा जाना चाहिए, जिसकी खूबसूरती की तारीफ की जानी चाहिए, तो मर्द भी अंदर से एक बच्चा है। लेकिन आयशा मुझे बताएं, सुबह से आप काम कर रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, फिर आके खाना बना रहे हो, बच्चों को संभाल रहे हो, तो वो कैसे खुद के लिए टाइम निकाले? ऐसी बहुत सारी शायद औरतें हैं जो दिन में शायद उनको पूरे घंटे की नींद मुश्किल से मिलती है। तो मैंने कब कहा है कि ये आसान है? ये बहुत मुश्किल काम। सारी मुश्किल चीजें औरतों के लिए, मैं अक्सर ये आपसे कहती हूँ। देखो फरा, अब ये हमारी सिफ्त है ना, अल्लाह ने औरत को मल्टीटास्किंग दी है। हम एक वक्त में बैठकर 10 काम कर सकते हैं, मर्द नहीं कर सकता, नेचर ही नहीं है उसकी। वो एक काम पे फोकस करेगा, दूसरे पे करेगा, पहला बर्बाद हो जाएगा। औरत कर सकती है, औरत को अल्लाह ने मल्टीटास्किंग दी है, तोहफे में दी है। इसीलिए दी है कि औरत ने बच्चे भी पाले, एक बड़ा बच्चा भी पालना है मर्द की सूरत में, और उसके घर वालों को भी देखना है। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि जब आप इस बात को समझेंगे कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको बच्चों की तरह प्यार किया जाए, आपकी तारीफ की जाए, आपको बाहर घुमाया फिराया जाए, तो आपको बदले में भी वही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। एंड अगेन, परवरिश जिस औरत ने करनी है, मैं अपने बेटे की परवरिश कर रही हूँ, अगर मैं उसे नहीं सिखाऊंगी कि अपनी बहन की इज्जत करनी है, अपने इर्द गिर्द औरतों के साथ हया शर्म से बात करनी है, नज़र झुकाकर बात करनी है, तो यकीन करें वो लड़का बड़ा होकर एक अच्छा मर्द नहीं बनेगा। उसे नहीं फ़र्क पता चलेगा कि मैंने किस तरह से किसी खातून से बात करनी है, मैंने कैसे किसी औरत के साथ बिहेव करना है। वो एक सेकंड में अपनी जो मोरालिटी के दायरे से बाहर निकल जाएगा। तो ये एक, जब आप माँ बनते हैं ना, तो आप पे बहुत सारे फर्ज आयद हो जाते हैं। फिर जब आप देखो, जब लड़की होती है तब वो लाओबाली होती है, जब उसकी शादी होती है वो औरत बनती है, उस पर जिम्मेदारियाँ। पर आदमी पे अगर कफील की जिम्मेदारी है तो औरत पे जिम्मेदारी है उस कफालत को मैनेज करने। क्या पाकिस्तान में औरत होना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी और ममालिक की बात करो? पर औरत किसी भी मुआशरे में उसके ऊपर इसी किस्म का प्रेशर होता है। आप सिर्फ ये देखते होंगे कि यूरोप में, अमेरिका में, जर्मनी में औरतें मॉडरेटली ड्रेस्ड हैं, मॉडर्नली ड्रेस्ड हैं। सिर्फ लिबास मॉडर्न पहन लेने से जिम्मेदारियाँ नहीं हट जाती। वहाँ पर जब सेपरेशन होती हैं, बच्चे फिर भी औरत के साथ ही होते हैं। तो जो औरत है, मैं मुझसे एक इंटरव्यूअर ने सवाल किया कि अगर आप मिसाल के तौर पे औरत ना होती और आपको ऑप्शन दी जाती, तो आप क्या आप मर्द होती? तो मेरा एक जवाब था कि मैं औरत होती, पहली बात, मुझे 10 दफ़ा भी ऑप्शन मिले तो मैं वही बनूंगी जो मैं आज हूँ। मैं वही गलतियाँ करूँगी जो मैंने की है ज़िंदगी में, मैं वही सबक सीखूँगी जो मैंने ज़िंदगी में सीखे, क्योंकि मैं ख़ुद को बदलना नहीं चाहती। मैं जो हूँ, मैंने ज़िंदगी में जैसे मर्जी, जैसे धक्के खा के जो भी सीखा है, आई वुड लाइक टू बी द सेम पर्सन, द सेम वुमन आई एम। और मेरे ख्याल से ये हर औरत जवाब देगी मोस्टली, क्योंकि हर औरत को पता है उसकी ज़िंदगी में बड़ी सारी मुश्किलें आनी हैं या हैं, लेकिन वो फिर भी औरत बनना चाहती है। तो मेरे ख्याल से ये एक चीज़ बताती है कि हम ओनरशिप है कि हाँ, हमारी ज़िंदगियाँ इतनी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम यही बनना चाहेंगे, यही चूज़ करेंगे। ज़िंदगी आसान मिल गई तो फिर क्या फ़ायदा है? हलवा है अगर सामने पड़ा टेबल पर, क्या फ़ायदा है उसका? बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर तो आपके खून पसीना नहीं बहा है, अगर आपने मेहनत नहीं की है उस हलवे को पकाने की और उसके बाद उसका मज़ा लुत्फ लिया है, तो फिर तो मज़ा आया है। देखिए, इससे ज़्यादा रुतबा हमारा रब क्या दे सकता है एक औरत को कि वो कहता है क़यामत के दिन आपकी औलाद माँ के नाम से पुकारी जाएगी। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? और आप देखें कि उनके, हमारे नबी की, अल्लाह के नबी की जो आल है वो बेटी से चली। अगर ऐसा ना होता तो आज आप देखें कि जो अभी हो रहे हैं ये इंसिडेंट्स, इससे ज्यादा होते। बिल्कुल, तो आप सही कह रही हैं। औरत कितनी
कितनी करीब है, कितनी पसंद है कि उसने सारी रहमतें बरकतें आदमी को तो गुलाम बनाया है, उसके लिए कफील बनाया है कि तुम कमा कर लाओ, उसको खिलाओ। क्या खूबसूरत बात की, अगर ये मर्द समझ जाए कि ये, और इस चीज को भी समझना है परा कि वो जो गुलाम है आपके लिए, आपको अल्लाह ने आपका कफील बना के भेजा है, उसकी खिदमत आपने करनी है, उसको आपने वो भी पूछ होगी, आपकी भी पूछ होगी। अगर आप बिल्कुल, सिर्फ ये नहीं है कि आप महारानियों की तरह बैठ जाए एंड दैट्स इट और वो करता रहे काम सारे, नहीं, गलत है। आपने इन रिटर्न उसको एज ए ह्यूमन क्या दिया है, क्या आपने उसकी उस कोशिश को, उस खूबी को वैल्यू किया है? मैंने कई ऐसे मर्द देखे हैं फरा जो अपने बच्चों के पैम्पर्स तक चेंज कर देते हैं और बखुशी करते हैं, लेकिन उनकी बेगमात लाव वाली होती है, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। मैंने आदमियों को अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाते देखा है, आप शॉपिंग मार्ट में चले जाओ, आप जो बाप होते हैं उन्होंने बच्चे को पकड़ा होता है और उनकी उनकी बेगमात जो है शॉपिंग कर रही होती है, ये भी एग्जांपल है ना हमारे पास, ये भी एग्जांपल्स हैं कि और सारा बोझ भी बच्चे बच्चे का माने उठाया हुआ है, शॉपर भी माने उठाए हैं, ये भी होता है। फैक्ट ये कि हम सिर्फ एक पहलू को देख कर कोई ओपिनियन नहीं जनरेट कर सकते, हमें जो सही है वो करना है। और सही ये है कि अगर आप इस दुनिया में बहैसियत इंसान आए तो दूसरे को भी इंसान समझो। जो आप अपने लिए गलत समझते हैं वो दूसरे के लिए भी गलत समझो, जो आप अपने लिए ठीक समझते हैं उसे दूसरे को भी दें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आयशा, एक और सवाल यहाँ पे आता है कि बार बार हम इंसान की बात करें कि एक औरत इंसान भी तो है ना, पहले तो उसको माने बराए मेहरबानी। तो क्या एक औरत आज के जमाने में बाहैसियत इंसान खुशहाल है? बिल्कुल खुशहाल नहीं है। आप, मैं आपको इलीट से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर इलीट क्लास तक एग्जांपल्स कोट कर सकती हूँ विदाउट टेकिंग देयर नेम। मैंने इतनी नाखुश खवातीन देखी हैं जिसकी बात, और फिर क्या होता है, आप खुद को डाइवर्ट करते हो, बुराई की तरफ जाते हो, क्योंकि जब आप डाइवर्ट करते हो तब आप जाते बुराई की तरफ, क्योंकि अच्छाई तो आपके साथ खड़ी नहीं है और दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन औरतें जाती हैं, वो क्या करें, खुशी नहीं है उनके पास। यहीं पे आपको मैं इंटरप्ट करूंगी, लेकिन बहुत सारी औरतें ये कहती हैं कि हमने बहुत मुश्किलें जिंदगी में देख ली, अब बस अब जो है अब मैं जीऊंगी, अब मैं जीऊंगी, अब इस जीने में, हाँ इस जीने में जैसे वो बागी हो जाती हैं और फिर उनको कुछ सालों के बाद अंदाजा होता है। हमने ना वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक ख्वाब दिखा दिया कि तुम आजाद हो, और आजाद नहीं है, हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो औरत है, उसके साथ रिश्ते जुड़े हैं। जिस इंसान के साथ रिश्ता जुड़ जाता है वो आजाद नहीं हो सकता, उसकी जिम्मेदारी है। मैं फिर हम बार बार एक ही बात करते हैं, अपनी इस दुनिया में आने की वजह को पहचानें, आप क्यों आए हैं, अल्लाह ने आपको इन रिश्तों के साथ पैदा क्यों किया है। मैं ना ये सवाल बहुत करती थी फरा खुद से और अल्लाह से, जब मेरे फर्स्ट हस्बैंड ही पास्ड अवे, तो मेरे तीन बच्चे थे और मैं खुद भी सिंगल पेरेंट चाइल्ड थी, तो मैं ये सवाल अल्लाह से बहुत करती थी कि दुनिया में इतने लोग हैं खुशहाल घूमते फिरते हैं, मैं ही क्यों मिली आपको? बचपन भी मैंने बाप के बगैर गुजारा, अब मैं जवानी भी बगैर खावन के गुजारूंगी, ये क्या ज्यादती है? मुझे कोई जवाब नहीं आता। बड़े इस्तखारे किए, बड़ी दुआएं की, नमाज से भाग गई, लेकिन विद टाइम व्हेन आई मेट माय सेकंड हस्बैंड, उनके बर्ताव से, उनके प्यार से, उनकी मोहब्बत ने, उनके मुझे इंसान और एहसान ना जताने की आदत ने गर्विदा बनाया इस बात का कि अगर एक मर्द की अच्छी परवरिश की जाए तो औरत खुश रह सकती है जैसे मैं हूँ। जिंदगी में अच्छे बुरे हालात हमेशा आएंगे आते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनली सेटिस्फाइड है ना कि मेरा खानदान, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मैं अपने खामन से मोहब्बत करती हूँ, वो मुझसे उतनी मोहब्बत करता है, यकीन करें इससे बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है। आयशा, आपकी कहानी सुन के मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि सब्र का जो फल होता है वो एट द एंड औरत के लिए मीठा होता है? 100% फरा, मैंने जिंदगी में हार ना मानने वालों को कभी हारते नहीं देखा। इवेंचुअली
जो लोग इस डिटर्मिनेशन के साथ इस दुनिया में आए ना कि मैंने हार नहीं माननी, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकाम तक पहुंच जाते हैं, उनको ज़िंदगी में अल्लाह ताला नवाज देते हैं, क्योंकि अल्लाह को भी पता है कि ये जो बंदा है ना इसने हार नहीं मानी, ये लगा रहेगा। और रिश्तों में तो वैसे ही हार नहीं मानना चाहिए। रिश्तों में आपने बहुत खूबसूरत बात की कि रिश्तों में कभी हार नहीं मानना। बिल्कुल, ये कभी मत सोचें कि ये ठीक नहीं होगा, ये कभी मत सोचें कि ये बदलेगा नहीं या ये बदलेगी नहीं, लगे रहे। और जहाँ पे मेरे ख्याल से आप, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है फरा कि आप एक बैड मैरिज को सपोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ अब्यूसिव मैरिज में रहे, वायलेंस हो, बिल्कुल, जहाँ वायलेंस हो, अब्यूज हो, जहाँ पे आपकी हक तलफी हो, जहाँ आपको खुशी ना मिल रही हो और आपको नजर आ रहा हो कि अब कभी नहीं मिलेगी, वॉक आउट फ्रॉम दैट। बिल्कुल सही बात कीजिए। अनहैप्पी औरत से ज्यादा कर्स और कोई इंसान, पूरी फैमिली कर्स हो जाती है, जब वो औरत कर्स्ड होती है, जब वो औरत ना खुश होती है, पूरा खानदान कोलैप्स कर जाता है। बिल्कुल ऐसे, और आने वाली नस्लों पे भी इसका इफेक्ट होता है। आयशा, इतनी खूबसूरती से आप इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को कैसे एक्सप्लेन कर लेती हैं, ये सवाल मैं अगले एपिसोड के लिए रखूंगी, क्योंकि अब वक्त हुआ जाता है आपसे एक रिक्वेस्ट करने का कि आप हमारी ऑडियंस के सामने हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है क्राउड फंडिंग, जिसमें हमारी कोशिश होती है, आयशा हमें उन ऐसी औरतों से मिलवाती हैं जो माँ भी होती है, बीवी भी होती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ करने की जस्तजू होती है, उस कोशिश को हम सराहने के लिए यहाँ बैठे हैं और आयशा आपको इंट्रोड्यूस कराएंगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन आज़ाद, घर में चाहूँ के सेगमेंट में हम आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग खवातीन से मिलाते हैं, मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स होती हैं, और आज हमारे साथ हैं मिस शैला हामिद, रिदास कलेक्शन की ओनर है, जो एक ज्वेलरी का ब्रांड है, इनका अपना एक डिज़ाइनर क्लोदिंग ब्रांड भी है, और उसके साथ साथ मैं नहीं कमज़ोर की को फाउंडर मेम्बर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी ज्वेलरी बहुत खूबसूरत है और आंखें देख के चुंधिया रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये बताएं कि शैला जी, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? शौक था शुरू से ही। अच्छा। हाँ, पहले तो मैं ड्रेस डिज़ाइन करती थी, 93 से मैंने स्टार्ट किया था। राइट। तो मैंने 1993 राइट, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, 20 सूट बनाए, शर्ट दुपट्टा। अच्छा। तो गोटे का काम का लॉन पे, वो जब मैंने बनाए, काफ़ी स्टाइलिश बनाए, मोटिस वगैरह लगा के, उस तरह नहीं कि टिपिकल नहीं था, तो माइयों के भी बहुत अच्छे येलो बनाए, उसमें मल्टी कलर का काम करवाया, लेकिन वो इतने, एक आई बाहर से अमेरिका से लेडी आई, तो वो सारे ले गई मेरे खरीद के, जब फर्स्ट टाइम पे हवा में होंगी कि पहली कलेक्शन ही अमेरिका पहुंच गई। बहुत खुश हुई, और उसी पे फिर मैंने शुरू किया, मैंने कहा मैं तो कुछ कर सकती हूँ तो करूँ। तो फिर ये बताइए शैला जी, कि जो इन्वेस्टमेंट थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो कितनी थी और क्या वो रिकवर हुई, कोई लॉस तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, शुरू में तो कुछ नहीं लॉस हुआ, अब इतना कंपटीशन हो गया कि अब चीज़ें जो है कम सेल होती हैं। राइट। तो उस वक्त तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, पीसी में एग्जीबिशन, अवारी में एग्जीबिशन, बड़ी एग्जीबिशन की, बड़ा अच्छा वो वक्त था, याद आता है, अच्छा दौर था, बड़ा अच्छा दौर था, कंपटीशन कम था मार्केट में, अब तो खैर डिजाइनर ब्रांड्स, मार्केटिंग उनकी ऐसी, जब से ब्रांड आ गया ना, उसके बाद फिर मैंने चेंज कर दिया ना, मैंने फिर 2011 में मैंने ज्वेलरी स्टार्ट की। सो 1993 से 2011 तक जो सफर था वो डिजाइनर वेयर का था, और उसके बाद इन्होंने डिजाइनर ज्वेलरी की तरफ अपना रुख किया। अब तो डिजाइनर ज्वेलरी में भी काफी कॉम्पिटिशन है। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा गैप मेरा आ गया। अच्छा। नहीं तो मैं मतलब कंटिन्यू करती, बहुत अच्छे तरीके से कंपटीशन देती। खैर, रिदास कलेक्शन, आपका नाम शैला है जी, मेरी बेटी का नाम। अच्छा, बेटी के नाम पर। ये बताइए, क्रिएटिविटी से लेकर एंड प्रोडक्ट तक आप खुद ही इन्वॉल्व रहती हैं इसमें या आपके साथ और भी? नहीं, मैं खुद ही करती हूँ। अच्छा, अब देखने वालों को ये भी सवाल होगा कि आपने लाजमन इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली होगी? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं, लेकिन अच्छा। सर्च करती हूँ, उस देखती हूँ, लेकिन मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली। यानी आप लोग, जो लोग ये समझते हैं कि फॉर्मल तालीम ना हो तो हम अपने स्किल को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, तो ये बात आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी मौजूद है, आपको ये इनसे सीख लेनी चाहिए कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए
वो आप सक्सेस का जीना आप चढ़ ही जाएंगे कहीं ना कहीं। तो शैला जी ये बताइए कि जो हैंड पेंट है, जो साड़ीज अब स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं और जो कपड़े देख रहे हैं, इसमें जो हैंड पेंटिंग और जो आपने भी पहना हुआ है, ये आप करवाती हैं? ये मैं खुद करती हूँ, सारा खुद करती हूँ और फ्री हैंड करती हूँ, कोई स्ट्रेस नहीं। ये मेरी हॉबी थी, मैं पेंटिंग पहले ही करती थी, तो फिर मैंने फैब्रिक पे करना शुरू कर दिया। मैंने कहा चले, मतलब मैंने तो ना चेंज करती रही ना मैं। अच्छा, जमाने के साथ साथ बदल, जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता रहा, मैंने क्रिएटिव मैंने उसमें डालने की कोशिश की कि चलो मैं चेंज करूं, और उससे फिर मुझे फायदा भी हुआ। जाहिर है, ऑब्वियसली जब आप यूनिक चीज लाएंगे, ट्रेंडी चीजें ऐड करेंगे, इसमें भी काफी ब्लॉक प्रिंट और ये सारे बहुत कट्स वगैरह भी चेंज किए आपने? बिल्कुल, कट तो मेरे, आप कभी देखें तो स्टाइल मैं आपको भेजूंगी, तो वो देखें आप कितने स्टाइलिश हैं। जरूर जी, हम ये भी देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि आपकी जो ज्वेलरी है वो मुनफरिद कैसे है, ये बताइए जरा, फ्रॉम द वंस दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। कैसे मुनफरिद? बस ये है कि वहाँ पे मार्केट में ये नहीं आपको मिलेगा, जो मैं डिजाइन करूंगी जी, वो नहीं होगा। जो मैंने तो ये खुद ही डिजाइन की हुई ना, लाजमी बात है। नहीं, कहने का मतलब ये कि आपने खुद डिजाइन तो किया है, लेकिन मार्केट में कंपटीशन बहुत है, स्पेशली आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। आर्टिफिशियल का जब से देवदास लॉन्च हुई, उसके बाद एक पूरी मार्केट खुल गई। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स के साथ यहाँ पर भी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स खुल गए, तो आप बताइए कि हाउ इज योर ज्वेलरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, एंड अगर हमारी ऑडियंस आपके पास आती है? मेरा जो है, मैं ज्वेलरी इसका ना, ये है सिल्वर ज्वेलरी मेरी जो ये वाली है, इसका मैं गोल्ड प्लेटेड और डायमंड पॉलिश होता है। ओके। इसकी ये है कि इसकी लुक बड़ी अच्छी आती है, इसमें आप ये नहीं कह सकते आर्टिफिशियल, तो ये काली नहीं, नहीं, जो मार्केट में मिलता है ना वो चीज़, वो नहीं है ये चीज़। राइट। सिल्वर में भी मैंने बनाई है, वो भी मैंने 2 कैरेट गोल्ड उसमें प्लेटेड में बनाई है। अच्छा। जो काली नहीं होती, तो मार्केट में तो आई नहीं है, कॉपी तो है लेकिन वो ये चीज नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि ये काली नहीं होती, ये मैंने पानी लगाने से तब से पहन रही हूँ, बनी हुई यहाँ, और परफ्यूम लगाने से भी नहीं? परफ्यूम से होती है, कम हो जाता है। ठीक है, मतलब उसका नहीं मैं कह सकती, वो अब मैं, जब चमक कम हो जाती है तो लोग आपके पास आते हैं पॉलिश वगैरह के? नहीं, आए तो नहीं अभी तक, तो कोई कम्प्लेंट भी नहीं आई। मैंने बताया मैं ये पहन रही हूँ कब से, ये मैं पहन ही रही हूँ, देख रही हूँ। अगर ये ना बताती तो मैं ये गोल्ड समझ रही थी, यही ना, इसका यही है जो मार्केट में उसकी पता चलता फिनिशिंग से, लेकिन मेरा ये है गोल्ड प्लेटेड है, इसलिए उसका डायमंड पॉलिश है, उसकी वजह से इसकी लुक जो है रियल लगती है। तो ये आपने जो जरगर हैं वो अपने पास बिठाए हुए हैं? नहीं, पास में मैं कारीगर आता है, उसको ऑर्डर देती हूँ, उससे बनवा। ठीक है, तो उस कारीगर के साथ कोई ऐसा सिस्टम है क्या, उसमें वो आपका जो दिया हुआ है डिजाइन कहीं और नहीं जाएगा? वो तो फिर आपको पता है, ये चीज तो नहीं कंट्रोल की जा सकती, कोशिश तो मेरी होती है, कोशिश तो होती है। अच्छा, उसको कहते हैं कि भी मेरा डिजाइन कॉपी ना, मतलब कॉमन ना करना। हाँ, मतलब बेचना, लेकिन मतलब अभी तक तो मैंने नहीं देखा। हाँ, अभी तक तो नहीं देखा। ये कि एग्जीबिशन भी करती हूँ तो मेरी डिफरेंट ही होती है ज्वेलरी, माशाल्लाह। अच्छा, तो जरगर को आप दे देती हैं, वो बना कर ले आता है, तो आप खुद भी इस क्रिएटिव प्रोसेस में शामिल? हाँ, मैं खुद करती हूँ, तो मैं उसको बताती हूँ, ड्रॉ करके देती हूँ, बुलाती हूँ, समझाती हूँ इस तरह। ये सारी ड्रॉइंग्स आप खुद? हाँ, मैं खुद ड्रॉ करके उसको देती हूँ। अच्छा। कि इस तरह लगाना, किसी वक्त वो गलत भी बना के ले आता है, फिर उसको चेंज भी करना पड़ता है, जाहिर सी बात है, उसको समझ नहीं आती, तो कलर कॉम्बिनेशन सारा मेरा अपना होता है। अच्छा, ये सारी चीजें जो है, उनकी कलर कॉम्बिनेशन सारा मेरा, इनके मेजरमेंट्स वगैरह ये सब आपकी अपनी? जी, ये मैं खुद करती हूँ जी। फॉर्मल ट्रेनिंग के बगैर कैसे करती हैं आप? शौक है, मेरा पैशन। अच्छा, चलिए, आपका पैशन है, अल्लाह मियां इसमें और बरकत डाले। अच्छा, ये जो प्राइस रेंज है आपकी, वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? बिल्कुल रीजनेबल है, मेरे 5,000 से लेके 30,000 तक। ब्राइडल कलेक्शन भी आप करती हैं? ऑर्डर पे। अच्छा, ऑन ऑर्डर? वो ऑर्डर पे करती हूँ। तो कितने ब्राइडल कलेक्शंस आपने अभी तक किए हैं? मैंने बताया ना, गैप आ गया। अच्छा। तो अभी तक मैंने ब्राइडल अपनी किया, पहले मैं करती थी। अच्छा। तो अभी मैंने नहीं लिया ऑर्डर। राइट। तो जो ये फैशन शोज होते हैं और जो और जिस फैशन के इस तरह इवेंट्स होते हैं, उसमें आपकी ज्वेलरी को प्रमोट, मतलब मैंने दी नहीं? अच्छा, काफी ऑफर्स आई थी, मैंने नहीं दी अपनी ज्वेलरी। अच्छा, ये बताइए कि इनमें जो इसकी क्या प्राइस रेंज है, जो ये रेड वाला है? ये जो रेड वाला, ये 18,000 का है, ये 18,000 का है, ये 5,000 का है, वो 5,000 का, 5,500 इस तरह रेंज। और वो जो ग्रीन में ये भी, ये इनकी एक ही है, वो भी जो रेड है, रूबी वाला, ये सब 18,000। ठीक है, आपको नहीं लगता कि एक आम इंसान के लिए तो बड़ा मुश्किल होगा इसको अब
खरीदना। नहीं आप देखें तो, और इसकी मुकाबले में आपको एक चीप कॉपी बाजार से मिल जाएगी। चीप जो है वो सस्ती है। हाँ जी, वो उसका कंपटीशन तो है, लोग तो कहते हैं कि जी वो वहाँ सस्ती मिल रही है, तो मैं तो कहती ले लें वहाँ से जाके, अगर डिफरेंट आपको नहीं लग रहा तो आप बेशक वहाँ से ले लें, मेरी चीज में फर्क है। देखे ना आप ये पहनेंगी तो कोई कह ही नहीं सकता आपके गोल्ड है कि नहीं गोल्ड, राइट। इसकी फिनिशिंग ऐसी है, राइट। तो जो मार्केट में मिल रहे हैं वो भी आपको पता है कि कैसी लुक है उनकी। हाँ जी, ऑफ कोर्स। बहुत किस्म की आ गई हुई है ज्वेलरी, लोग तो बेच रहे हैं, लेकिन मेरी एक डिफरेंट है माशाल्लाह, जिनको पता है वो आते हैं ले लेते हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, आपको हमारे प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, उनके लिए कोई खास एक डिस्काउंट करूंगी, क्यों नहीं, और वो क्या होगा बताइए, ताकि हम आपको 15% डिस्काउंट कर दूंगी। अच्छा ही, 10 to 15 हमारे यानी अलिफ के जो व्यूअर्स हैं, अगर वो मैडम के पास जाते हैं शैला जी के पास, तो उन्हें खास तौर पर एक 15% डिस्काउंट दे दिया जाएगा। अच्छा शैला जी, ये बताइए आपका कोई फॉर्मल आउटलेट है या फिर आप सिर्फ ऑनलाइन कर रही हैं? मैं सिर्फ ऑनलाइन करी या एग्जीबिशंस करती हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, खवातीनों हज़रात, आपने देखा कि हमारे साथ शैला जी मौजूद थी और उन्होंने ज्वेलरी के डिफरेंट डिज़ाइंस आपको दिखाए और आपको ये भी साथ साथ सिखाया कि ज़िंदगी में कैसे भी हालात हो जाएं, नशेब व फराज आ जाएं, ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में आप मेहनत मत छोड़ें, काम मत छोड़ें, क्रिएटिविटी को कैद मत करें, क्योंकि जब आप उस क्रिएटिविटी को कैद करते हैं तो आप में फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाती है। अलिफ के व्यूअर्स के लिए 15% डिस्काउंट होगा शैला जी के रिदास कलेक्शन पे, तो आप लोग ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ड्रेसेस पे भी और इस पे भी, ड्रेसेस पे भी देखिए, आपको ड्रेसेस पे भी डिस्काउंट मिल गया। तो हैंड पेंटेड अगर आप चाहते हैं, जिस तरह का चाहते हैं, कस्टम मेड अगर वो चाहें तो आप बनवा सकते हैं। आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगी? यही देना चाहूँगी कि हिम्मत करें, हर औरत कर सकती है, जो भी ये औरत है वो मेरा तो ख्याल है उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ होता है, वो हिम्मत करें तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकती हैं, वो निकलें और काम करें, कुछ ना कुछ करें। और जिन औरतों के लिए निकलना मुश्किल है वो क्या करें बताएं? उनका मैं क्या कह सकती हूँ, मतलब वो घर पे कुछ करवा सकते, मतलब घर उनके लिए घर पे, अब तो ऑनलाइन इतना इजी हो गया है, अब तो ऑनलाइन सब दुनिया बैठ के घर से ही कर रही है, वो देखें कहाँ से गांव से लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए औरतें, तो अब तो कोई इसका वो, तो आपने हार नहीं माननी और आपने घर बैठने को महसूस नहीं करना, आपने ये देखना है कि बस आपका पैशन है और अगर आप में टैलेंट है तो वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसे कहीं ना कहीं सक्सेस देगा इंशाल्लाह। वी टेकिंग अ ब्रेक हियर जी, और ब्रेक के बाद आप मिलेंगे दोबारा से फरा से। बहुत शुक्रिया आप सबका इस एपिसोड में दोबारा से हमारे साथ शिरकत करने का। जाते जाते आपको सिर्फ यही कहूँगी कि औरत सबसे पहले इंसान है, अपनी कदर को महसूस करें लेकिन उस रुतबे का गलत फ़ायदा ना उठाएं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक आम से लेकिन ज़रूरी टॉपिक के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।